गर्मियों के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, खासकर जंगलों में आगजनी से करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। आगजनी की घटनाओं को रोकने और आगजनी की सूरत में नुकसान को कम करने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में विभाग द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है। अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों को जंगलों में लगने वाली आग से बचाव और इसके नुकसान को कम करने के लिए समय समय पर जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सप्ताह भर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले इस सप्ताह में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही अग्निशमन उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि लोग इन उपकरणों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें। इस मौके पर अग्निशमन अधिकारी डीसी शर्मा ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर शहीद हुए अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इसका मनाने का जो उपलक्ष्य है, इसमें 14 अप्रैल 1944 को एक समुद्री जहाज जो मुंबई में बंदरगाह पे खड़ा था, जिसमें तेल, रुई की गांठें, खाद्यान्न व अन्य विस्फोटक पदार्थ भरे हुए थे, उसमें अचानक आग लगने से उसमें बहुत भयंकर भीषण आग लगी थी और उसमें विस्फोट भी हो गए थे। विस्फोट होने से मुंबई की हालत ये हो गई थी, वहाँ पूरा ही स्मोक, धुआं और आग की लपटें देखी जा सकती थी उसमें। और उसके जब विस्फोट हुए, उसकी कंपन इतनी ज़्यादा हुई जो कि यहाँ तक शिमला तक भी महसूस की गई। इस आग में फायर फाइटिंग करते वार 66 फायर फाइटर्स शहीद हो गए थे। उनकी यादगार में इस दिन को एक 2 मिनट का मौन रखे, हम 11 बजे पूरे प्रदेश के जो फायर स्टेशन है उसमें ये मौन रख के उनको याद किया गया। और इसके साथ साथ 14 से 20 तक हम आग से बचाव की सारी जानकारियां, अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल, इंडस्ट्री, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी कार्यालय हैं और पब्लिक प्लेसेस, इन सब जगह हम हैंडआउट्स, पंपलेट्स और प्रिंट मटेरियल और दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चरेट ऑर्गेनाइज करके हम लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए 5 फरवरी को मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।